नमस्कार, आप देख रहे हैं वन तेज और आपके साथ मैं हूं मनीषा गोदारा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपर फास्ट बुलेटिन। नासा ने एक बार फिर रचा इतिहास। नासा मिशन स्पेस एक्स हुआ लॉन्च। रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजे गए दो यात्री। स्पेस एक्स मिशन के ऐतिहासिक पल के गवाह बने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। नासा के एडमिनिस्ट्रेशन ने दी लॉन्चिंग की जानकारी। 9 साल में पहली बार अपनी धरती से रचा इतिहास। नासा ने बनाया एक खास वेंटिलेटर। इसके विनिर्माण के लिए भारत की 3 कंपनियों को मिला लाइसेंस। कोरोना मरीजों को मिलेगी मदद। कोरोना वायरस के मरीजों के लिए विशेष रूप से वेंटिलेटर विकसित। भारतीय कंपनियों के अलावा 18 अन्य कंपनियों को भी मिला लाइसेंस। 8 अमेरिकी और 3 ब्राजील कंपनियां शामिल। अमेरिका में अश्वेत नागरिक की मौत पर मचा बवाल। कई शहरों में हुए विरोध प्रदर्शन। अमेरिकी सरकार ने नेशनल गार्ड के 500 अतिरिक्त सैनिकों को किया तैनात। अटलांटा में पुलिस वाहन पर हुआ हमला। G7 की बैठक को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान। G7 की बैठक सितंबर तक हुई स्थगित। G7 में भारत रूस समेत 4 देशों को शामिल करने के लिए सलाह। भारत और नेपाल के बीच नहीं थम रहा विवाद। भारत और नेपाल के बीच नहीं थम रहा विवाद। अब नेपाल सरकार ने नए राजनीतिक नक्शे के तहत संविधान संशोधन बिल किया पेश। नेपाल के इस नए नक्शे में भारत के क्षेत्र भी हैं शामिल। नेपाल में 14 जून तक बढ़ाया लॉकडाउन। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 30 जून तक निलंबित। नेपाल में 2 जून को खत्म होना था लॉकडाउन। पीएम मोदी ने की मन की बात। रेडियो कार्यक्रम के 65वें भाग में देशवासियों को किया संबोधित। कहा देश अब खुल गया है, कोरोना से रहें ज्यादा सतर्क। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी। कोरोना से 61 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित तो 3,70,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। वहीं 27 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक। भारत में बढ़ा कोरोना का ग्राफ। कोरोना मरीजों की संख्या 1,82,000 के पार तो अब तक 5,164 लोगों की मौत। वहीं 86,000 से ज्यादा मरीज हुए थे। राजस्थान में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 8,600 के पार तो वहीं अब तक 190 से ज्यादा संक्रमितों ने गंवाई जान तो अब तक 5,000 से ज्यादा कोरोना मरीज हुए थे। आरबीआई ने लगाया सिटी बैंक पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना। नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के नियमों का उल्लंघन करने पर आरोप। आरबीआई ने 3 दूसरे बैंकों पर भी लिया एक्शन। जीएसटी पर नजर आया लॉकडाउन का असर। अप्रैल में केंद्र सरकार को जीएसटी से मिला 5,934 करोड़ रुपए और पिछले साल की तुलना में 87% कम। वित्त वर्ष 2020 में रियल एस्टेट सेक्टर के संस्थागत निवेश में 12% की कमी। करीब 33,800 करोड़ रुपए का हुआ था निवेश। कमर्शियल सेगमेंट को बढ़ने में लग सकता है समय। हरिद्वार में महाकुंभ के लिए तैयारियां हुई तेज। तय सीमा पर ही होगा महाकुंभ। संतों ने की थी कुंभ को 2021 के बजाय 2022 में कराने की मांग, लेकिन सरकार ने दिया आयोजन की अनुमति। जून से जुलाई महीने के बीच लगेंगे 3 चंद्र ग्रहण। 5 जून 21 जून और 5 जुलाई को लगेंगे चंद्र ग्रहण। साल 2020 में कुल 6 ग्रहण लगने वाले हैं। लखनऊ में लगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विधायक सुरेश श्रीवास्तव के लापता होने के पोस्टर। समाजवादी पार्टी ने भाजपा के खिलाफ खोला मोर्चा। पुलिस ने किया केस दर्ज। जुलाई में नहीं होंगे महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के एग्जाम। सीएम उद्धव ठाकरे ने दी जानकारी। कोरोना महामारी के कारण परीक्षाओं को किया स्थगित। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने की सोनू सूद के काम की तारीफ। गवर्नर ने कहा इस नेक काम में पूरी तरह से करेंगे उनका सपोर्ट। सोनू सूद लॉकडाउन में लोगों की मदद कर रहे हैं, उससे सोशल मीडिया पर उन्हें खूब वाहवाही मिल रही है। दिल्ली पुलिस में कोरोना वायरस से दूसरी मौत। एएसआई ने तोड़ा दम। 26 मई को पुलिसकर्मी की कोरोना रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। आर्मी बेस हॉस्पिटल में चल रहा था इलाज। हरियाणा के पंचकुला में अमेरिका से लौटे 5 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। अमेरिका से लौटे 73 भारतीयों में से अब तक 27 कोरोना पॉजिटिव। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 1721। पंजाब पुलिस और यूपी एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी। मेरठ से किया मोस्ट वांटेड आतंकी तीरथ सिंह को गिरफ्तार। खालिस्तान मूवमेंट से जुड़ा है आतंकी तीरथ सिंह।
रायबरेली की सेंट्रल जेल में सपा नेता ने लगाई सेंध, जेल से बातचीत का कथित ऑडियो हुआ वायरल, सवालों के घेरे में आया जेल प्रशासन, सपा नेता पर हत्या का मामला है दर्ज। अयोध्या में संतों की बड़ी बैठक, रामलाल के मंदिर को भव्य बनाने की उठी मांग, तो वहीं नाराज संतों ने ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर भी उठाए सवाल। बाबरी विध्वंस केस के पक्षकार इकबाल अंसारी ने की मुकदमे को समाप्त करने की मांग, सीबीआई कोर्ट से आगे की कार्रवाई न करने की अपील, हिंदू मुसलमान सौहार्द को बनाए रखने के लिए लिया फैसला। रायबरेली में 23 वर्षीय युवक का गड्ढे में पड़ा मिला शव, बुरी तरह कुचल गया था चेहरा, पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच की शुरू। यूपी में तूफान ने मचाई भारी तबाही, अब तक 13 लोगों ने गंवाई जान, वहीं कई लोग हुए घायल, आगरा और कन्नौज में भी नजर आया तूफान का असर। तूफान और ओलावृष्टि से कन्नौज में भारी तबाही, आंधी की चपेट में आने से 6 लोगों की मौत और 4 लोग घायल, सरकार देगी मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा। दिल्ली यूपी में आज भी बारिश के आसार, 8 जून तक लू से मिलेगी राहत, मौसम विभाग ने नोएडा और गाजियाबाद में जताई भारी बारिश की संभावना। बीसीसीआई ने खेल रत्न के लिए की रोहित शर्मा की अनुशंसा, ईशांत और शिखर धवन हुए अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट, महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा को भी मिल सकता है अर्जुन अवार्ड। सलमान खान ने मुंबई पुलिस को बांटे सैनिटाइजर, महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे ने दिया धन्यवाद, सलमान ने वीडियो शेयर कर दी हैंड सैनिटाइजर की जानकारी। ट्विटर पर फिर से जायरा वसीम की एंट्री, ट्रोल होने पर किया था अकाउंट डिलीट, जायरा ने हाल ही में देश में जारी टिड्डी अटैक पर किया था एक ट्वीट, ट्वीट के चलते करना पड़ा ट्रोल्स का सामना। कोरोना संकट के बीच हुंडई के लिए अच्छी खबर, मई में 5000 से अधिक वाहनों का किया निर्यात, बाजार में क्रेटा और वेन्यू की खास मांग, अप्रैल में नहीं बिका था कंपनी का एक भी वाहन। 2 जून को भारत में लॉन्च होंगे सैमसंग के 2 नए स्मार्टफोन, सैमसंग गैलेक्सी M11 और गैलेक्सी M01 की होगी लॉन्चिंग, ऑफिशियल लॉन्च के बाद बिक्री के लिए होंगे उपलब्ध। मुख्यमंत्री आवास पर हुई अहम बैठक, कोर ग्रुप के अधिकारियों के साथ बैठक में लॉकडाउन की गाइडलाइंस पर हुआ मंथन। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर सीएम गहलोत ने दिया संदेश, कहा तंबाकू से दूर रहने का लेना चाहिए संकल्प, तो वहीं तंबाकू के बिना स्वस्थ जीवन के करने चाहिए प्रयास। विश्व तंबाकू निषेध दिवस आज, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रदेशवासियों से तंबाकू का सेवन न करने की अपील, पूरी दुनिया में 31 मई को मनाया जाता है तंबाकू निषेध दिवस। 1 जून से शुरू होगी SMS अस्पताल की नियमित सेवाएं, SMS अस्पताल से कोरोना मरीजों को शिफ्ट किया जा रहा RUHS, धनवंतरी ब्लॉक में शुरू होंगी सभी OPD सुविधाएं। भरतपुर में कोरोना का बढ़ता क्या है, DIG लक्ष्मण गौड़ के गनमैन में भी कोरोना की पुष्टि, भरतपुर SP के गनमैन के बाद अब PA भी कोरोना पॉजिटिव, पुलिस महकमे में मची खलबली। जयपुर शहर के परकोटे में कल से दिखेगी रौनक, लौटेगी कल से 4 दीवारी क्षेत्र के बाजार की रौनक, खुलेंगे माणक चौक थाने में, पुलिस अधिकारियों ने यहां 4 दीवारी क्षेत्र के तमाम व्यापार मंडलों के साथ ली बैठक। जयपुर के सांभर में अब बाजारों में लौटी रौनक, पुलिस प्रशासन आम जनता व्यापारियों से COVID-19 की गाइडलाइन की पालना करने की अपील, कई जगहों पर लोगों ने नियमों का किया उल्लंघन। सवाई माधोपुर के बौली में लॉकडाउन के नियम तोड़ने वालों पर हो रही कार्रवाई, पुलिस ने मुख्य बाजार में काटे चालान, दुकानदारों ने की निष्पक्ष कार्रवाई की मांग। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने की परीक्षाओं की तारीख की घोषणा, 18 से 30 जून के बीच होंगी सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाएं, तो वहीं 27 से 30 जून के बीच होंगी सेकेंडरी के एग्जाम, शिक्षा विभाग ने की शुरू तैयारियां। जोधपुर के भोपालगढ़ में SDM सुखाराम पिंडेल की सकारात्मक पहल, नरेगा श्रमिकों को किया मास्क और साबुन का वितरण, कोरोना से बचाव की दी जानकारी। पाली की देसुरी में नरेगा नियमों की हुई अवहेलना, ओटा निर्माण की जगह मिट्टी डालकर किया नाले को अवरुद्ध, बारिश में ओवरफ्लो की वजह से नाली टूटने की बड़ी संभावना। नागौर की कुचामन सिटी में भामाशाहों की सकारात्मक पहल, चांदपुरा गांव के विकास के लिए करीब 7.5 बीघा भूमिदान, लोगों ने दिया भामाशाहों को धन्यवाद। भरतपुर के बयाना में तंबाकू गुटखों की हो रही जमकर कालाबाजारी, थोक विक्रेता 350 से 450 रुपए में बेच रहे पैकेट, कालाबाजारी की खबर प्रशासन को होने के बाद भी नहीं हो रही कोई कार्रवाई। राजसमंद के देवपुरिया गांव में अजगर ने मचाया तांडव, घर में घुसे अजगर को देखकर लोगों में मची अफरा तफरी, कड़ी मशक्कत के बाद किया रेस्क्यू। जालौर में दहीपुर गांव के पशुओं के बाड़े में लगी आग, 2 पशुओं की हुई मौत, 1 गंभीर रूप से घायल, आग में लाखों रुपए का हुआ नुकसान, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने पीड़ित को दिया मदद का आश्वासन। बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ में टिड्डियों का अटैक, विधायक गिरधारी लाल महिया का नजर आया अलग अंदाज, टिड्डी दल को भगाने का किया प्रयास।
नागौर में शिक्षक संघ शेखावत ने निभाया सामाजिक सरोकार। कोरोना संकट काल के चलते जरूरतमंद परिवारों को बांटे राशन किट, अब तक कई परिवारों की कर चुके मदद। प्रतापगढ़ में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 25 लाख रुपए की ब्राउन शुगर की जब्त, बाइक सवार एक आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। बारां के राजपुर मुडियर मार्ग पर अनियंत्रित होकर पुलिया से नीचे गिरा ट्रक, हादसे में बाल बाल बचा ट्रक चालक और खलासी, राजपुर से कोटा की ओर जा रहा था ट्रक। नागौर के खिंसर में दर्दनाक हादसा, करंट की चपेट में आने से एक महिला की हुई मौत, आंगनबाड़ी केंद्र में आशा सहयोगिनियों के पद पर कार्यरत थी मृतका। जालौर के आहौर में करंट लगने से एक युवक की मौत, सनवाड़ा निवासी कस्तूरा राम खांसी के रूप में हुई शिनाख्त, कृषि फार्म पर कार्य करते समय हुआ हादसा। झालावाड़ के गंगधार में नाबालिग बच्चे के साथ छेड़छाड़, ग्रामीणों ने की बाइक सवार युवक की जमकर धुलाई, पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला किया दर्ज। अजमेर पुलिस लाइन में सिपाही ने किया आत्महत्या का प्रयास, जयपुर में पदस्थापन को लेकर अवसाद में था सिपाही, भ्रष्टाचार के मामले में चल रहा था निलंबित, पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस। अजमेर के अजयसर में दो भाइयों के बीच हुआ जमीनी विवाद, दोनों परिवारों के झगड़े में तीन लोग हुए घायल, तीनों घायलों का इलाज जारी। राजधानी के बापूनगर में संदिग्ध अवस्था में हुई अधेड़ की मौत, परिजनों ने आनंद फानंद में कराया अंतिम संस्कार, मृतक के दोस्तों ने अनहोनी का जताया शक, तो वहीं पुलिस ने चिता बुझाकर निकलवाया शक। चौंक में बारिश के साथ तेज हवाओं का कहर, कच्चे मकानों की छतों में आई दरार, तो वहीं तेज आंधी में उड़े टीन छप्पर। राजस्थान में लगातार तीसरे दिन भी मौसम खराब, आंधी बारिश और ओलावृष्टि से लुढ़का तापमान, हनुमानगढ़ भरतपुर जयपुर अलवर समेत कई जिलों में हुई जमकर बारिश, वहीं जैसलमेर और अजमेर जिले में गिरे ओले। एवन तेज में फिलहाल के लिए इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार। We'll be right back.